नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जंजुआन। इतिहास खुद में न जाने कितने रहस्यों को समेटे छुपाए हुए है। पूरी दुनिया में ऐसे न जाने कितने राज दफन हैं जिन पर रिसर्च किया जा रहा है, और कई चीजें तो जानने की उत्सुकता में और ज्यादा रहस्यमयी बनती जा रही हैं। इतिहास का एक ऐसा ही रहस्यमयी राज है चीन की टेराकोटा आर्मी का। चीनी मान्यता के अनुसार टेराकोटा आर्मी के 8,000 सैनिकों को तकरीबन 2,000 साल पहले चीनी सम्राट की सुरक्षा में जिंदा दफन कर दिया गया था, यानी उनकी बलि दे दी गई थी। चीनी समाज में मान्यता है कि ये सैनिक आज भी चीनी सम्राट की रक्षा में तैनाती दे रहे हैं। पुरातत्वविद आज भी इस राज को खंगालने में लगे हुए हैं। सम्राट की कब्र 249 फीट ऊंचे पिरामिड के आकार के टीले के नीचे बनाई गई है। यह मकबरा सियान के लिटोंग जिले के एक कब्रगाह के भीतर स्थित है। आफ्टर लाइफ के विश्वास के तहत यही 8,000 सैनिक सम्राट की सुरक्षा में तैनात माने जाते हैं। इनमें से 2,000 सैनिकों के स्टैचू को बरामद कर लिया गया है, और 6,000 स्टैचुओं का पता लगाना पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। बता दें कि लगभग 2,000 वर्ष पुरानी चीन की टेराकोटा आर्मी के 8,000 सैनिकों को जिंदा दफन कर दिया गया था। मार्च 1974 में उत्तर पश्चिम चीन के सानक्सी प्रांत में कुएं की खुदाई के दौरान किसानों को कुछ मिट्टी के टुकड़े मिले। जांच में पता चला कि उन टुकड़ों में एक सिर टेराकोटा का बना हुआ है। जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने यहां खुदाई आरंभ की तो दुनिया के सामने एक अलग ही राज उजागर हुआ। इस रहस्य को देखने के लिए दुनिया भर के लोग सानक्सी पहुंचते हैं। 2015 में चीन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां गए थे। चीनी मीडिया के अनुसार 1974 में जब 29 मार्च को सानक्सी के किसान कुआं खोद रहे थे, तब आर्मी का राज दुनिया के सामने उजागर हुआ था। जिसके बाद कुएं के आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुरातत्व विभाग ने खुदाई करवाई थी। खुदाई के दौरान एक बड़े से ग्राउंड के बराबर के हॉल में 11 कतारों में खड़े 8,000 सैनिक जमीन से बाहर निकले थे। राजा की सुरक्षा में तैनात टेराकोटा आर्मी के इन सैनिकों की कई खासियतें हैं, जैसे हर सैनिक की ऊंचाई अलग है और उसी हिसाब से उन्हें अलग अलग रोल दिया गया है। उनके चेहरे और पहनावे भी उनकी भूमिकाओं का अंतर समझ में आता है। खुदाई के बाद यह बात सामने आई कि जिस तरह मिस्र के राजा की मौत होने पर पिरामिड का निर्माण किया जाता है, उसी तरह चीन के किसी शासक की कब्र की रक्षा के लिए सैनिक तैनात किए जाते हैं। माना जाता था कि 210-209 ईसा पूर्व में चीन के राजा किन सी हुआंग की मौत के बाद पकी मिट्टी से 8,000 सैनिक बनाए गए थे। खुदाई के दौरान सेना के आदमकद पुतलों के सिर, हाथ, पैर और धड़ देखकर लगता है कि इन्हें अलग अलग बनाकर उन्हें बाद में जोड़ा गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि सैनिकों के अंगों को जोड़ने से पहले उन्हें आग में तपाया गया होगा। सैनिकों के ये पुतले इतने सजीव दिखेंगे कि ऐसा लगता है ये अभी जी उठेंगे। इसलिए चीनी समाज मानता है कि इन्हें राजा की कब्र के साथ जिंदा दफनाया गया था, और ये सैनिक मौत के बाद भी राजा की सुरक्षा करते हैं। चीनी इतिहास और मान्यताओं में भी कहीं कहीं यह उल्लेख मिलता है कि सैनिक मिट्टी के नहीं बल्कि जिंदा इंसान थे, जिन्हें राजा की कब्र के साथ जिंदा दफन कर दिया गया था। चीन के शासक रहे चिन सी हुआंग की कब्र के सामने बने हॉल में यह 8,000 सैनिक खड़े हैं। सैनिकों के साथ उनके घोड़े, दफ्तर और अन्य लोगों के रहने के घर भी बनाए गए थे। सेना के साजो सामान तांबे, टीन और अलग अलग धातुओं का है। यह भी बताया जाता है कि इन सैनिकों के कई मूल हथियारों को उसके सामने बनाने के कुछ दिन बाद ही लूट लिया गया था। 23 फुट गहरे 4 गड्ढों में टेराकोटा आर्मी खड़ी है। 230 मीटर लंबे, करीब 62 मीटर चौड़े पहले गड्ढे में 6,000 सैनिकों के पुतले हैं। इसमें 11 गलियारे 3.3 मीटर चौड़े हैं। लकड़ी से बनी इनकी छत को बारिश से बचाने के लिए मिट्टी की परतों का विशेष लेप से ढका गया है। बता दें कि चीन सी हुआंग ने 221 ईसा पूर्व चीन पर शासन किया था, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। टेराकोटा की इस सेना में पैदल सैनिक, घोड़े और रथ की मूर्तियां भी मौजूद हैं। इतिहास में आफ्टर लाइफ पर बहुत विश्वास किया जाता था, जिसका जीता जागता सबूत मिस्र में बने पिरामिड है, जिनमें समाज के जाने माने लोगों, जिनमें शासक भी शामिल हैं,
उनकी लाशों को विशेष लेप लगा कर रखा जाता था। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि वे दोबारा जिंदा होंगे। चीन सी हुआंग भी आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, इसलिए अपने कब्र के साथ एक बड़ी सेना चाहते थे। चीनी इतिहास बताता है कि उनके शासन तक इंसानों की बलि देने की आलोचना होने लगी थी, मगर उससे पहले इंसानों की बलि देना वहां बहुत प्रचलित थी। कहा जाता है कि बलि प्रथा के विरोध में बाद में सम्राट की कब्र की रखवाली के लिए टेराकोटा से बनी मूर्तियों का निर्माण किया गया था। आफ्टर लाइफ में विश्वास करने वाले चीनी सम्राट ने जमीन के नीचे लगभग साम्राज्य जैसी ही दुनिया खड़ी की थी। इसके तमाम सबूत खुदाई के दौरान मिले हैं। मिट्टी में दफन संगीतकारों की मूर्ति भी मिली थी, जो जाहिर तौर पर सम्राट के मनोरंजन के लिए थी। टेराकोटा आर्मी के बारे में मान्यता है कि यह वह सम्राट के मकबरे की रखवाली कर रही है। अभी लगभग 2000 सैनिकों की मूर्ति और घोड़े मिले हैं। लगभग 6000 सैनिकों के अभी भी जमीन में दफन होने की बात पुरातत्वविद करते हैं, जिनको अभी खोजा जाना बाकी है। 2000 साल से जमीन के नीचे दबी टेराकोटा आर्मी की इन मूर्तियों की बनावट हर किसी को चौंका देती है। कोई भी मूर्ति एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती है। इससे लगता है कि इन्हें तब के कलाकारों ने बेहद ही बारीकी से तैयार किया गया होगा। सैनिकों के रूप, रंग, बाल और कपड़े और भाव तक अलग अलग हैं। टेराकोटा आर्मी की सबसे खास बात यह है कि सभी मूर्तियों के हाथों में असली हथियार हैं। सैनिकों के हाथों में तांबे की तलवारें पाई गई। अब तक खुदाई के दौरान 40,000 से ज्यादा हथियार पुरातत्व विभाग को मिल चुके हैं। इसके अलावा एक और खासियत यह है कि इन स्टैचू को दफनाने के दौरान प्राकृतिक रंग से रंगा गया था। सभी सैनिकों को उनके पदों के हिसाब से खड़े करके दफनाया गया था। इस सेना में पैदल सैनिक, धनुर्धारी, सेनापति, घुड़सवार और रथ भी शामिल है, जिसे देखकर असली सेना जैसा आभास होता है। पुरातत्व विभाग का दावा है कि जो भी हथियार खुदाई के दौरान मिले, उनका कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये खास तौर पर राजा की अंडरग्राउंड सेना के लिए ही बनाए गए थे। आज भी खुदाई चमत्कारों से भर देने वाली है, इसलिए चीन सी हुआंग की कब्र पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। पुरातत्वविदों ने चीन सी हुआंग के मकबरे के टीले के जियोफिजिकल सर्वेक्षण किए हैं, मगर उनकी खुदाई अभी भी बाकी है। मकबरे के बारे में हान राजवंश के एक इतिहासकार ने लिखा है कि यहाँ 100 अधिकारियों के लिए महल और सुंदर टावरों के साथ कई दुर्लभ कलाकृतियां बनाई गई थी, जिसका राज आज भी धरती के सीने में दफन है। 1987 में इस टेराकोटा आर्मी की यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। धन्यवाद। जनज्वार, जनता की मीडिया।